नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह व्हीकल दुनिया से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि ऑक्शन से गाड़ियां खरीदते समय हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अगर हम वो सावधानियां नहीं बरतते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावधानियां हमको क्या बरतनी चाहिए, हमको क्या क्या छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जो हमको याद रख के गाड़ियों पे बिड लगाना चाहिए और ऑक्शन में खेलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो है पार्किंग है, पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्किंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने कभी ऑक्शन में भाग नहीं लिया है। पार्किंग का मतलब होता है कि जिस व्हीकल को हम परचेस कर रहे हैं, जिस व्हीकल पे हम बिड लगा रहे हैं, वो व्हीकल यार्ड में कितने दिन से खड़ा हुआ है, यार्ड में कितने दिन से पार्क है। तो उस व्हीकल का पार्क होना वहां पे मतलब कि आपको उस व्हीकल का वहां का पार्किंग पे करना पड़ेगा जब आप गाड़ी वहां से परचेस करके वहां से बाहर निकालेंगे, उस यार्ड से बाहर निकालेंगे। कुछ फाइनेंस कंपनियां, कुछ बैंक ऐसे हैं कि जिनके व्हीकल परचेस करने में आपको पार्किंग नहीं देनी होती है, और कुछ फाइनेंस कंपनी और कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको पार्किंग पे करनी पड़ती है। तो पार्किंग दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 30-40 रुपए से स्टार्ट होके 200-250 रुपए तक जाती है जनरली। वो व्हीकल पे डिपेंड करती है, टू व्हीलर कार, कमर्शियल व्हीकल, मशीन्स, कौन सा व्हीकल आप परचेस कर रहे हो। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी व्हीकल पकड़ के चलते हैं, अगर आप जिस व्हीकल को परचेस कर रहे हैं आपने उसकी पार्किंग में ध्यान नहीं दिया और आपने पार्किंग को बिना देखे यार्ड की व्हीकल में बिड लगा दिया, अब वो व्हीकल अगर वहां पे एक साल से पार्क है तो आपको 365 दिन एक साल का पार्किंग पे करना पड़ेगा। अगर आपका पर डे का 100 रुपए हम एवरेज पकड़ के चलेंगे, पार्किंग 100 रुपए पर डे का चार्जेस है, तो साल का आपको उसका 36,000 पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये व्हीकल आपको काफी कॉस्टली पड़ जाए, इसलिए आपको सबसे पहले पार्किंग का ध्यान रखना है कि यार्ड की पार्किंग डेट, उस व्हीकल की पार्किंग डेट क्या है, वो ऑक्शन में हमारे पोर्टल्स में हम मेंशन करके रखते हैं कि इसकी पार्किंग डेट क्या है। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से चेक करना है, उसके बाद उस व्हीकल में उस पार्किंग को कंफर्म करके ही बिड लगाना है। दोस्तों, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट होता है हमारा टैक्स, और टैक्स की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में टैक्स होता है, ये टैक्स आपने देखा जनरली कमर्शियल व्हीकल्स में लगता है। टैक्स हम पर्सनल व्हीकल्स या टू व्हीलर परचेस करते हैं या अपने लिए पर्सनल कार परचेस करते हैं तो वहां पर टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो भी व्हीकल उठते हैं, जो भी व्हीकल न्यू सेल होते हैं, वो लाइफ टाइम टैक्स के साथ होते हैं। बट जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसमें टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनका टैक्स हमको क्वार्टरली चुकाना पड़ता है, ईयरली चुकाना पड़ता है। अगर आप वो व्हीकल भी बिना देखे उन व्हीकल्स में अगर आप बिड लगाते हैं और उसका टैक्स अगर आपका पेंडिंग निकल आता है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जो भी, तो वो आपको उसकी मतलब बहुत ज्यादा आपको कॉस्टिंग देनी पड़ सकती है। जितने का आप व्हीकल ले रहे हैं उतना ही आपको हो सकता है टैक्स लग जाए। तो बिड लगाने से पहले, किसी भी व्हीकल में बिड, ऑनलाइन बिड खेलने से पहले, ऑनलाइन ऑक्शन खेलने से पहले, आप सबसे पहले टैक्स जरूर चेक करें उस कमर्शियल व्हीकल का या जो भी आप व्हीकल परचेस कर रहे हैं। और दोस्तों, कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं देखता हूं कि ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे यूजर्स व्हीकल को बिना देखे ही उस पे बिड लगा देते हैं, और जब व्हीकल अप्रूव्ड हो जाता है और उसको यार्ड से रिलीज कराने जाते हैं तो कंडीशन कुछ और निकलती है। हमने फोटो में जो देखा, हो सकता है उसमें पीछे का शेप नहीं देख पाए, आगे का शेप नहीं देख पाए, तो वहां से अगर गाड़ी एक्सीडेंटल निकली या उसमें कुछ टेंटिंग निकली तो वो आपके लिए लॉस होता है। तो मेरा ये है, सबसे पहले आप दोस्तों बिडिंग अगर जिस व्हीकल पे लगा रहे हैं तो उस व्हीकल को फिजिकली इंस्पेक्शन करके देख लें, फिजिकली जाके देख लें, यार्ड में विजिट करके देख लें कि कंडीशन कैसी है, उसके बाद उस पर प्राइसिंग लगाएं। और व्हीकल कहाँ पार्क है, सपोज करिए कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैंने किसी ऑक्शन में देखा, मेरा हरियाणा का ऑक्शन चल रहा है और उसमें मैंने देखा कि मुझे टू व्हीलर परचेज करनी है और टू व्हीलर मैंने देखी और उसमें मैंने बिड लगा दी, लेकिन मुझे पता चला कि वो टू व्हीलर कर्नाटका में पार्क है। तो ये ऐसा होता है जनरली दोस्तों, जो व्हीकल जिस भी राज्य की है तो जरूरी नहीं है कि वो व्हीकल उसी यार्ड में खड़ी हो, वहीं के राज्य में खड़ी हो, किसी भी राज्य की व्हीकल किसी भी राज्य में पार्क हो सकती है, ये डिपेंड करता है गाड़ियों पे। तो ये आप जरूर चेक कर लें बिड लगाने से पहले कि यार्ड की लोकेशन क्या है, व्हीकल पार्क कहाँ पे है, अगर आप हरियाणा से है तो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे, उसका एड्रेस क्या है, आपके जो लाइव लोकेशन है, आपका जो होम लोकेशन है, वहां से उस व्हीकल की डिस्टेंस
कितना है, कितना दूरी पे है, ताकि आप उस व्हीकल को जाके बहुत ही आसानी से रिलीज करा के लेके आ जाएं। आपको उसका जो कॉस्टिंग है वो आपको और ज्यादा ना लग जाए, नहीं तो अननेसेसरी आपको उस चीज का कॉस्टिंग लग जाएगा वहां से लेके आना, वहां से ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें। तो आप लोकेशन भी चेक करें कि वो व्हीकल पार्क कहाँ पे, किस लोकेशन में पार्क है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके बाद का जो पॉइंट होता है दोस्तों, ऑनर सीरियल। ऑनर सीरियल क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई व्हीकल परचेज कर रहा हूँ, न्यू व्हीकल परचेज कर रहा हूँ, तो न्यू व्हीकल परचेज करते टाइम पे मेरा जो ऑनर सीरियल रहेगा फर्स्ट रहेगा, मैं फर्स्ट ऑनर हूँ उस व्हीकल का। अब उसके बाद क्या होता है, अगर मैंने वो व्हीकल सेल किया, जिस भी कस्टमर ने उस व्हीकल को परचेज किया वो अपने नाम पे उस व्हीकल को ट्रांसफर कराएगा, और उस व्हीकल को ट्रांसफर जब वो कराएगा तो कार्ड में उसमें सेकंड ऑनर लिख के आएगा, तो वो सेकंड ऑनर होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बायर्स, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो ऑनरशिप देखे बिना ही उस पर बिड लगा देते हैं, और जब बाद में उनको पता चलता है कि ये सेकंड ऑनर है या थर्ड ऑनर है, तो फिर वो उनके लिए वो व्हीकल की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती है, महंगी पड़ती है, क्योंकि ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर के बाद सेकंड ऑनर या थर्ड ऑनर, ये उसके रेट पे काफी इंपैक्ट लेके आती है। ये कार सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ऑनरशिप होती है वो रेट को थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो ये आपको ऑनरशिप प्रॉपर वे में चेक करना है कि ऑनरशिप क्या है। ऑनरशिप चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, एमपी ट्रांसपोर्ट हो गया और कार इन्फो हो गया, बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि हम इसका ऑनर सीरियल क्या है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके कॉस्टिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाँ, और कार अगर आप परचेस कर रहे हैं, कार सेगमेंट में अगर आप जा रहे हैं, तो आप उसमें वर्जन जरूर चेक करिए कि कार डीजल सेगमेंट है कि ये पेट्रोल सेगमेंट है। कुछ लोग उसको डीजल समझ के बिड कर देते हैं, बाद में उनको समझ में आता है कि वो पेट्रोल है, फिर उनको लगता है कि नहीं, ये कॉस्टिंग इसकी ज्यादा हो गई, मैंने ज्यादा बिड लगा दी है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये भी चेक करें कि ये डीजल है या पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। आप जिसमें प्रेफर करते हैं, अगर आपका उद्देश्य पेट्रोल व्हीकल लेना है तो आप पेट्रोल व्हीकल चेक करके लीजिए, अगर आपका उद्देश्य है मुझे डीजल व्हीकल लेना तो डीजल वर्जन चेक करके लीजिए कि डीजल सेगमेंट है या नहीं है, क्योंकि ये फिर बाद में आपको बहुत हो सकता है कि महंगा पड़ जाए व्हीकल परचेज करना। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चेक करना, कि हम ये चेक करें डीजल है या पेट्रोल है। इसके बाद आरटीओ फाइन। जनरली हमारे जितने भी मेट्रोज हैं वहां पे हम आरटीओ फाइन से बहुत, आजकल तो खैर ऑल इंडिया में सभी जगह ये हो गया है, आरटीओ फाइन हमें डायरेक्टली हमारे नंबर पे फाइन हो जाता है। हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं, हम कहीं पे रेड लाइट को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो हमको आरटीओ फाइन ऑटोमेटिकली हमारे नंबर पे आ जाता है, हमारे नंबर पे होल्ड रहता है जब तक हम उसको पे नहीं करते हैं, जब तक हम उसको हम आरटीओ ट्रांसफर कराने जब जाएंगे तो वो हमको पे करके ही आरटीओ ट्रांसफर कराने मिलेगा, अदरवाइज हम आरटीओ में ट्रांसफर नहीं करा सकते। तो ये फाइन्स के बारे में आप जानकारी लीजिए कि आरटीओ में फाइन कितना है, ये सब आपको होमवर्क करना है व्हीकल परचेज करने से पहले, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप इस पॉइंट्स को आप चेक करेंगे तो आपको ये काफी प्रॉफिटेबल डील आपके लिए निकल के आएगी सामने। फिर इसके बाद आरसी का हम ऑप्शन देते हैं, यस और नो, ओरिजिनल आरसी यस और नो। इसका मतलब ये है, लोग पूछते हैं कि हमको पेपर क्या मिलेगा, ओरिजिनल आरसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओरिजिनल आरसी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी हमारे एप्लीकेशन में मेंशन होता है। आप जब बिड लगाते हैं, बिड लगाओ का जो ऑप्शन दिया है उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे कि आरसी अवेलेबिलिटी लिखी होती है, यस और नो। यस का मतलब है उसमें ओरिजिनल आरसी आपको साथ में कार्ड मिलेगा, या जहां पे भी जिस भी स्टेट में आरसी जैसी चलती है वो आपको मिलेगी। नो लिखा है मतलब आपको आरसी नहीं मिलने वाली है, आपको डुप्लीकेट आरसी आरटीओ से इशू करवानी पड़ेगी, आरटीओ से बनवानी पड़ेगी, ये आपको उसका भी ध्यान देना है वहां पे, वो भी आपकी कॉस्टिंग में ऐड होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर पे भी जा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, ये कुछ लोग देखे में नहीं लगा देते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन डेट देखते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट देखने के बाद जब वो गाड़ी उनकी अप्रूव होती है तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग चेक करते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका रजिस्ट्रेशन से मैन्युफैक्चरिंग कम पहले का है, तो फिर वो उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर है, लेकिन ये चेक करने के लिए, व्हीकल परचेज करने के लिए, हम ऑक्शन से जो भी व्हीकल परचेज करते हैं वहां से खरीदने के लिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब पॉइंट्स को देखते हुए अगर आप व्हीकल पे बिड लगाएंगे तो वो व्हीकल आपको बहुत प्रॉफिटेबल मिलेगी और बहुत फायदा देके जाएगी। अगर आप पर्सनल के लिए भी ले रहे हैं तो भी बहुत फायदेमंद होगी, अगर आप उसको सेल करने के उद्देश्य से भी ले रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जनरली क्या होता है दोस्तों, अगर आपका अप्रूवल फाइनेंस कंपनी के द्वारा या बैंक के द्वारा अगर आ जाता है और फिर आप ये पॉइंट्स बाद में देखते हैं और आप बोलते हैं ऑक्शन कंपनीज को कि मैं
व्हीकल नहीं लूंगा तो आपको उसमें पेनल्टी देनी पड़ जाती है दोस्तों, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, आप ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं। इसलिए ये कंडीशन मत आने दीजिए, आप लोगों से इसकी रिक्वेस्ट है। आप लोग जब बिड लगाते हैं तो ये सब पॉइंट्स आप अपने लेवल पूरे चेक करिए, व्हीकल पर प्रॉपर होमवर्क करिए और उसके बाद उस व्हीकल पर बिड लगाइए ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम चाहते हैं कि आपका काम हमेशा बहुत अच्छा चले और आपको कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। और दोस्तों ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उसमें कहीं पे चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम से भी पूछ सकते हैं कि जो जितने पॉइंट्स मैंने बताए उनके बारे में हम आपको जानकारी जरूर देंगे अगर आप हमारे यहाँ से गाड़ी परचेज कर रहे हैं। और ये सब पॉइंट्स पे अगर आपने वर्किंग कर ली, इस पे होमवर्क कर लिया तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा मार्जिन मिलने वाला है आपको व्हीकल्स पे, बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में आप गाड़ी खरीदेंगे और उसको सेल करेंगे तो बहुत अच्छा मार्जिन कमाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, इन टिप्स को फॉलो करिए, इसके बाद आप ऑक्शन के व्हीकल्स परचेज करिए और आगे चल के आप बहुत फायदा कमाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मैं ऑक्शन से रिलेटेड आपको वीडियोस हमेशा बनाता रहूंगा, व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा देता रहूंगा। आपको और भी जो भी सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, आप उसको कमेंट में डालिए, मैं आपके लिए उसका भी वीडियो बना के बहुत जल्दी दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा।